यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। मतदान के लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में चंदौली जनपद से बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट से मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस रवाना हुई। उप निर्वाचन अधिकारी एडीएम उमेश कुमार मिश्रा ने एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर जनपद के अन्य स्थलों के लिए रवाना किया। एक्सप्रेस पूरे जिले के चारों विधानसभाओं के प्रमुख कस्बा और बाजारों में जाकर लोगों को एलईडी में सजीव प्रसारण करके मताधिकार के प्रयोग और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देगी। मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस कलेक्टर से रवाना होकर नियमिताबाद पहुंचेगी और एक निजी स्कूल में संस्कृति और नुक्कड़ नाटक छात्रों के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अधिकारियों के द्वारा लोगों को उनके अधिकारों और वोट देने के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद एक्सप्रेस चकिया, धरोली, कांटा, बरहनी, अमड़ा, कमालपुर, धानापुर और चहनिया होते हुए मुगलसराय के विक्रम सिंह कन्या महाविद्यालय में पहुंचेगी। समारोह पूर्वक कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। उप निर्वाचन अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस को संचालित किया जाएगा और इसका उद्देश्य जनपद में भ्रमण कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना है। आपको बता दें कि एक्सप्रेस जिले के 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर एक ही दिन में भ्रमण करेगी। बस को रवाना किए, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, जैसा कि सबको पता ही है कि विधानसभा के चुनाव हमारे होने वाले हैं और इस जनपद के साथ मार्च को चुनाव होना है। इसको दृष्टिगत निर्वाचन आयोग ने एक मतदाता एक्सप्रेस चलाई है जो विभिन्न जिलों में जाकर अपना मतदाताओं में जाकर उनका प्रचार प्रसार, लोगों को जागरूक करना, ये कार्य है सब। कितने जगहों पे इसका प्रचार? पूरे जनपद में ही जाएगी। इनका पूरा रूट चार्ट और कार्यक्रम बन गया है। हर विधानसभा में इसको जाना है और विधानसभा के जो खास खास स्थान हैं, मार्केट है, बाजार है, चौराहे, हर विधानसभा में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, वोटर को कि अपना मताधिकार का प्रयोग करें। इस विषय में लोगों को जागरूक करना ही उद्देश्य इसका है।